जेनिफर विंगेट ने संडे टेलीविजन की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है, जो काफी लंबे समय से अपने शानदार अभिनय द्वारा टेलीविजन इंडस्ट्री में राज कर रही है। वास्तव में उन्होंने अपने करियर के दौरान कई अभिनेताओं के साथ काम किए, हालांकि उनकी जोड़ी कुछ ही एक्टर के साथ ज्यादा पसंद किया गया। वेल, आज हम इस वीडियो में आपको टेलीविजन के कुछ ऐसे ही एक्टर से मिलवाएंगे जिनके साथ जेनिफर विंगेट की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। वेल, अगर आप जेनिफर विंगेट की फैन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला नाम है करण वाही। टीवी की पॉपुलर शो दिल मिल गए में सिद्धांत और रिद्धिमा के रूप में नजर आई करण और रिद्धिमा की जोड़ी लोगों के दिलों में बच चुके थे। शो में दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों द्वारा खूब पसंद किए गए। दूसरा नाम है गौतम रोड़े। वेल, गौतम रोड़े और जेनिफर विंगेट ने स्टार प्लस के शो सरस्वती चंद्र में एक साथ काम किया था। शो में दोनों की प्यार भरी नोकझोंक लोगों को काफी पसंद आई थी। तीसरा नाम है कुशाल टंडन। सोनी टीवी की शो बेहद में जेनिफर विंगेट और कुशाल टंडन की जोड़ी हमें देखने को मिले थे। ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी ये दो पॉपुलर चेहरे ने न सिर्फ अपनी अपनी कैरेक्टर से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। चौथा नाम है करण सिंह ग्रोवर। वैसे तो करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की जोड़ी कसौती जिंदगी की सीजन 1 में भी नजर आए थे, मगर दिल मिल गए शो में बनी इस दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। यही वजह है अरमान और रिद्धिमा के रूप में नजर आई जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर को फिर से ऑडियंस एक साथ देखना चाहते हैं। इस लिस्ट में पांचवा नाम है हर्षद चोपड़ा। वेल, जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा कलर्स की टीवी सीरियल बेपना में एक साथ नजर आए थे। शो में हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट आदित्य और जोया के किरदार में नजर आए थे। जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा की इस नई जोड़ी को भी फैंस ने काफी पसंद किया। यही वजह है जब ये शो ऑफ एयर हुआ था तो फैंस मेकर्स की इस डिसीजन से काफी अपसेट भी हुए थे। तो ये है वो टेलीविजन एक्टर जिनके साथ जेनिफर विंगेट की ऑन स्क्रीन जोड़ी को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। वेल, अगर आपके हिसाब से इस लिस्ट में और भी किसी टेलीविजन एक्टर का नाम शामिल हो सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।